जनपद पंचायत राहतगढ़ की ग्राम पंचायत नरियावनी में रहने वाले गोकुल साहू सागर कलेक्टर जनसुनवाई में आवेदन लेकर पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि हमारी पत्नी दिव्यांग है और हमारे पास गरीबी रेखा अंतर्गत परमिट तक नहीं है और लगभग एक वर्ष पूर्व मेरी पत्नी के यहां लड़की का जन्म हुआ था, पर शासन से जन्म होने पर मिलने वाली जन्म योजना का लाभ आज दिनांक तक नहीं मिला। क्या समस्या लेकर आए? किस चीज़ का पैसा आना था? मोराबाद हो मोराबाद हमारी भैया कौन कर आंगनबाड़ी में चोट वोट फैला है कि मैडम या पिता बने कितना समय हो गया? एक चार हो गई। तो ये किस के योजना के तहत आपको मिले थे और कितनी राशि मिली? मेरे को नहीं मिली, एक रुपया हमारी मिला। कितनी राशि मिली? मेरे को नहीं मिली। मिलनी कितनी थी राशि? मैंने 12,000। और क्या कठिनाई है? तो परमट बन रहे यहाँ सोचने वाली बात तो यह है कि जहाँ शासन प्रशासन दिव्यांगों के लिए अनेकों जतन कर योजनाओं का लाभ देने की बात करते हैं, बावजूद इसके भी इस प्रकार के मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। वहीं इस संबंध में पीड़ित द्वारा संबंधित अधिकारियों को आवेदन देकर शिकायत भी की गई, परंतु कहीं से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला, जिसके बाद आवेदक को कलेक्टर की शरण लेनी पड़ी। आप देख रहे हैं अथर्वी न्यूज, खबरें देख कर दें सोचने पर मजबूर। सागर से संजय तिवारी की रिपोर्ट।